आवाज वगैरह सारा क्लियर जा रहा है सभी के पास? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? कोई तो हाँ या ना बोलो। ठीक, अब देखो डंपर के साइकिल टाइम में है ना टोटल 6 कंपोनेंट आता है। सभी लोग ध्यान से देखना, ओपन कास्ट माइनिंग कोई भी पढ़ता है तो ये डंपर का साइकिल टाइम क्या होता है, या सोवेल का साइकिल टाइम क्या होता है, डीसीटी मतलब डंपर साइकिल टाइम, ठीक है ना, सोवेल का साइकिल टाइम क्या होता है, ये सभी को आना चाहिए। क्योंकि माइंस में अक्सर होता है जब कोई पीजीपीटी कोई भी ट्रेनिंग करने आता है ना, तो मैनेजर बोलता है कि जाओ जी साइकिल टाइम बताना कितना है, तो उसको पता ही नहीं रहता है कि साइकिल टाइम में हम लोग क्या काउंट करेंगे क्या नहीं काउंट करेंगे। वो देख लेता है कि यहाँ से निकला आया घूम के 20 मिनट लिया, बोल दिया सर 20 मिनट में साइकिल कंप्लीट हो रहा है, लेकिन वही 20 मिनट में क्या क्या उसके अंदर आ रहा है कंपोनेंट, क्या क्या कंपोनेंट उसके अंदर आ रहा है, वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, बहुत लोग पहली बार पढ़ रहे हुए हैं, गारंटी लेते हैं। तो डंपर साइकिल टाइम जो होता है कंसिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट्स, टोटल 6 एलिमेंट्स होता है। क्या होता है? पहला स्पोर्टिंग टाइम होता है। स्पोर्टिंग टाइम क्या होता है? मान लो इस जगह पे ये सोयल मशीन है, ठीक है ना, थोड़ा ऑपरेटर केबिन वगैरह बना देते हैं, बकेट, ठीक है ना, ये रफली है, ये क्या है सॉवेल मशीन है। अब क्या हो रहा है, डंपर यहां पे आकर लगेगा, पहले क्या है डायरेक्ट डंपर इधर से आया, ठीक है ना, ये डंपर आ रहा है, तो डंपर क्या ले रहा है, आके सीधा क्या लोड लेना स्टार्ट हो जाता है? नहीं, पहले वो अपना पोजीशन को या बायां या दायां किसी और डायरेक्शन में फिक्स करता है, अच्छे से पोजीशन ले लेता है। जब पोजीशन लेता है तो ये जो टाइम लगता है ना इसको पोजीशन लेने, इसी को बोलते हैं हम लोग स्पोर्टिंग टाइम। क्या बोलते हैं? स्पोर्टिंग टाइम उसको। ये जो डंपर अभी आ रहा है, ये डंपर आकर यहाँ पे लोडिंग के लिए जो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है ना, सेट कर रहा है, तो जितना टाइम लिया हो एडजस्ट होने में सेट होने में, उसी को बोला जाता है स्पोर्टिंग टाइम। तो स्पोर्टिंग टाइम दो होता है, एक सिंगल स्पोर्टिंग कंडीशन हो सकता है, ध्यान देना, सिंगल स्पोर्टिंग कंडीशन, और एक हो सकता है डबल स्पोर्टिंग कंडीशन, डबल स्पोर्टिंग कंडीशन। क्या होता है सिंगल स्पोर्टिंग कंडीशन? सिंगल स्पोर्टिंग कंडीशन में ये होता है, ये सोयल मशीन है तो डंपर जस्ट उसके एक ओर ही लग सकता है, या बाएं में या दाएं में, मतलब एक ही साइड लग सकता है, तो वो कहलाता है सिंगल स्पोर्टिंग कंडीशन। और डबल स्पोर्टिंग कंडीशन में क्या होता है कि मान लो एक डंपर इधर लोड हो रहा है ना, दूसरा डंपर इधर आकर लग जाएगा, तो ये होता है डबल स्पोर्टिंग कंडीशन, ठीक है। सिंगल स्पोर्टिंग कंडीशन में क्या हुआ, डंपर जो है सोवेल के सिर्फ एक साइड में ही लगता है, या बायां या दायां या फ्रंट जो भी है एक साइड में सिर्फ लगेगा। लेकिन डबल स्पोर्टिंग कंडीशन में है, इधर लोड हो रहा है, दूसरा डंपर जो इधर से आया है वो यहाँ इंतजार नहीं करेगा, वो आकर यहाँ अपना एडजस्ट कर लेगा और खड़ा होगा, खड़ा होकर वेट करेगा कि अब हमको ये लोड लेके निकलेगा तो ये हमको लोड देगा। तो उस केस में क्या होता है, डबल स्पोर्टिंग कंडीशन में वेटिंग टाइम एक जो होता है, आगे है पढ़ाते हैं, तो क्या होता है, पहला स्पोर्टिंग टाइम समझ में आ गया क्या? स्पोर्टिंग टाइम क्या होता है कि डंपर जो अपना पोजीशन ले रहा है सोवेल के बगल में, वो होता है स्पोर्टिंग टाइम, जितना टाइम लिया। अब क्या हुआ, स्पोर्टिंग टाइम हो गया मतलब डंपर लग गया यहाँ पे, अब क्या करेगा ये जो सोवेल मशीन है वो क्या करेगा, डंपर को लोड करेगा ना, तो जितना देर में लोड लिया ये, जितना देर लगा इसको लोड करने में, तो वो क्या हो गया लोडिंग टाइम। मान लो 5 मिनट 10 मिनट जितना टाइम लगा, तो उस टाइम को क्या बोलते हैं लोडिंग टाइम। अब जब डंपर लोड हो गया है तो क्या करेगा, अगर कोयला लोड हुआ होगा, अगर डंपर लोड हो गया, अगर उसके पास कोयला होगा लोड, तो कोयला लेके कहाँ जाएगा, कोयला कोल स्टॉक में जाएगा कोयला लेकर, है ना। और अगर ओ भी लोड किया हुआ होगा तो कहाँ जाएगा, ओ भी डंपर में जाएगा, ओवरबर्डन ओ भी का मतलब, ठीक है, कहाँ जाएगा, ओ भी डंप में जाएगा। अब क्या है, वो लोड है गाड़ी, डंपर लोड है, अब ये लोड के साथ ट्रेवल कर रहा है, कहाँ जाने के लिए, कोयला रहेगा तो कोल स्टॉक में जाएगा, ओबी रहेगा तो ओबी डंप में जाएगा, तो क्या हो गया वो
थर्ड कंपोनेंट लोड ट्रेवल टाइम, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट में क्या हो गया, लोड ट्रेवल टाइम, मतलब लोड के साथ जो ट्रेवल कर रहा है वो लोड ट्रेवल टाइम हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या आता है, डंपिंग टाइम। अब जब कोयला स्टॉक में डंपर पहुंच गया, डंपर कहाँ आ गया है, कोयला स्टॉक में आ गया, डंपर कहाँ आ गया, वो भी डंप में आ गया। अब यहाँ अनलोड करेगा तो अनलोडिंग होने में जितना टाइम लग रहा है वो होता है अनलोडिंग टाइम या डंपिंग डंपिंग टाइम। अब डंपर जब अनलोड हो गया, अब क्या करेगा, वापस से लोड लेने के लिए आएगा। डंपर क्या करेगा, वापस से वो लोड लेने के लिए आएगा, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी ट्रेवल टाइम, मतलब खाली है जो आ रहा है लोड लेने के लिए। अब हो सकता है एक डंपर यहाँ लोड ले रहा होगा, दूसरा डंपर यहाँ इंतजार करेगा, तो ये लास्ट वाला हो गया वेटिंग टाइम। तो ये सिक्स कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है डंपर का साइकिल टाइम। और जब डबल स्पोर्टिंग कंडीशन होता है ना, इट जनरली स्पोर्टिंग टाइम क्या है, पहले देख लो, इट इज द टाइम टेकन फॉर द डंपर टू पोजिशन इट सेल्फ बेसाइड्स द डंपर बेसाइड द सोवेल फॉर गेटिंग इट सेल्फ लोडेड। मतलब क्या, जो अपना पोजिशन लिया है लोड लेने के लिए, जितना टाइम लिया पोजिशन लेने में, वो हो गया स्पोर्टिंग टाइम। ये जनरली डंपर को 0.5 to 1 मिनट लगता है अपने आप को एडजस्ट करने में, 0.1 to 0.5 to 1 मिनट लगता है। वो डिपेंड करता है साइट कंडीशन कैसा, मतलब स्लिपरी है या लंबा चौड़ा बेंच है कि एक बार में आकर सेट हो जा रहा है वैसा, ठीक है ना। और जब डबल स्पोर्टिंग कंडीशन होता है ना, तो उस केस में 0 मिनट लगता है। क्यों, क्योंकि एक डंपर इधर लोड हो रहा है और दूसरा डंपर आके यहाँ लोड ले लिया, दूसरा डंपर आके एडजस्ट हो गया है बगल में, तो उस केस में स्पोर्टिंग टाइम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। वो सिर्फ इंतजार क्या करेगा, वेटिंग टाइम में काउंट हो जाएगा, वो स्पोर्टिंग टाइम 0 हो जाता है उस केस में। क्यों हो जाता है, सब पिक्चर पिक्चर समझाते हैं। बताया था ना, डबल स्पोर्टिंग कंडीशन में इधर भी लोड हो रहा है, पर इसको इरेज करते हैं। ये सोवेल है, ठीक है। अब एक डंपर को इधर लोड कर रहा है, ठीक है ना, ये एक डंपर वन हो गया। अब दूसरा डंप क्या, इसको लोडिंग कर रहा है, दूसरा डंपर टाइम ले रहा है, लेकिन वो टाइम काउंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो टाइम वेटिंग टाइम में हम लोग काउंट कर लेंगे, जो भी टाइम होगा ना उसको हम लोग वेटिंग टाइम में काउंट कर लेंगे। क्योंकि ये डंपर लोड हो रहा है, दूसरा डंपर आके इधर लग गया, तो डबल स्पोर्टिंग कंडीशन में स्पोर्टिंग टाइम 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसको इंतजार, मतलब यहाँ पे ये लोड होते ही है उसी टाइम आके वो अपना इधर एडजस्ट करके लग गया है। अब क्या होगा, सिर्फ वेटिंग टाइम में 0, वेटिंग टाइम में काउंट होगा। वो वेटिंग टाइम मान लो 5 मिनट लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है, जितना देर वेट करेगा वो सिर्फ वेटिंग टाइम में आएगा। वो मतलब डंपर क्या है, यहाँ पे इंतजार ना खड़ा होकर इंतजार यहाँ पे करेगा, ठीक है ना। तो डबल स्पोर्टिंग कंडीशन में स्पोर्टिंग टाइम 0 हो जाता है। अभी पिक्चर देख लो, यहाँ पे क्या है, पहले डंपर आके देखो पोजिशन ले लिया यहाँ पे, ये पोजिशन लेने में मान लो लग गया डंपर का 1 मिनट, ठीक है ना। मैं एग्जाम्पल देते हुए जा रहा हूँ, स्पोर्टिंग टाइम कितना हो गया, 1 मिनट प्लस। अब क्या है कि ये सोवेल जो है डंपर को लोड कर रहा है, मान लो लोड होने में 10 मिनट लग गया, तो ये क्या हो गया, लोडिंग टाइम। अब क्या होगा, ये लोड ले लिया है, अब है कि ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मान लो चलते हुए जा रहा है, और डंपिंग यार्ड या कोयला स्टॉक मान लो 2 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है ना। तो क्या होता है, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम यहां से निकल जाएगा डी बाय वी से 2/40 है ना, ये आवर है, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, 60 से मल्टीप्लाई कर लो, 20 गुना 40, 20 60, मतलब 3 मिनट लग रहा है। अगर ये एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 3 मिनट लग रहा है उसको लोड के साथ डंपिंग जाने में, मतलब क्या हो गया, लोड ट्रेवल टाइम, लोड ट्रेवल
अब जब डंपिंग पहुंच गया है, अब है कि वापस हो तो घूम के नहीं आएगा, वहां तो डंप करना होगा ना, तो वो हो गया डंपिंग टाइम। डंपिंग टाइम मान लो 0.5 मिनट लग रहा है, ये क्या हो गया डंपिंग टाइम। अब क्या है, डंपर अनलोड हो गया, वापस लोड लेने के लिए आना है तो उड़ाते हुए आएगा। जब खाली आता है ना, डंपर का स्पीड थोड़ा ज्यादा होता है, तो हमेशा खाली हो आने वाले टाइम में मान के हम लोग चलते हैं कि जितना लोड के साथ जाता है ना, खाली आने में थोड़ा कम टाइम लगता है, तो हम मान ले रही है 2.5 मिनट लग रहा है वापस लौटने में, मतलब एम्प्टी ट्रेवल टाइम। और लास्ट में क्या बच गया, अब सोयल आके मतलब डंपर आ गया, अभी इंतजार कर रहा है। अगर सिंगल स्पोर्टिंग कंडीशन है तो, या डबल स्पोर्टिंग कंडीशन है तो क्या इंतजार करेगा वो कुछ देर तक। अगर वहां डंपर ऑलरेडी, कब इंतजार करेगा, जितना सोयल का कैपेसिटी है, अगर है कि सोयल मान लो कि एक उसका कैपेसिटी है कि एक साथ अगर चार डंपर देंगे ना तो कोई डंपर आइडल नहीं रहेगा, और यहाँ पे पांच डंपर देंगे तो एक डंपर उसके साथ कंडीशन को क्या करे, थोड़ा देर तक वेट करेगा, तो लास्ट में क्या हो जाता है, एक वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम मान लो 3 मिनट, तो क्या होता है वेटिंग टाइम। तीस तरीके से ये डंपर का साइकिल टाइम का कैलकुलेशन किया जाता है, स्पोर्टिंग टाइम, लोडिंग टाइम, लोड ट्रेवल टाइम, डंपिंग टाइम, एम्प्टी ट्रेवल टाइम और वेटिंग टाइम। ये देखो क्या हो गया, स्पोर्टिंग हो गया यहाँ पे, स्पोर्टिंग होने के बाद ये लोड ले रहा है, ठीक है ना। लोड लेने के बाद क्या है, लोड लेके जा रहा है, अब लोड लेके जा रहा है, अब क्या किया है, डंपिंग कर रहा है वहां पे, सारा पिक्चर है ठीक है ना, डंप कर दिया। अब क्या है, डंपिंग होने के बाद वापस लौटेगा, ये वापस लौट रहे हैं। अब क्या है, एक यहाँ लोड हो रहा है ना, बाकी इंतजार हो रहा है खड़ा होकर, ये पार्किंग वगैरह कहीं पिक्चर है, लेकिन ध्यान रखो इमेज बनाने के लिए कि एक डंपर देखो यहाँ लोड हो रहा है, बाकी ये डंपर इंतजार कर रहा है, ये वेटिंग टाइम हो गया। तो ये सारा फैक्टर कंपोनेंट डंपर के साइकिल टाइम में आता है। सबको क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सभी को? राकेश, तुम्हारा तो पहली क्लास से क्लियर हुआ। अब कितने लोग को ये सारा चीज पता था कि हाँ इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ये भी बता दो, ईमानदारी पूर्वक। आकाश को भी नहीं पता था, कासिम को भी नहीं पता था, ईमानदारी पूर्वक बोल रहे हैं, बता दो कि हाँ इतने लोग को पता था। अच्छा अनुराग लोग को तो हम पढ़ाए हुए थे इसलिए पता था, जिसको पढ़ाए हुए उसको पता होगा, जिसको नहीं पढ़ाए उसको ज्यादा चांस से पता नहीं होगा, प्रशांत को भी पता था ठीक है। देखो कितना इजी चीज है, यही होता है, मतलब डंपर्स। अगर तुम मान लो तुम कभी माइंस में जाते हो, मैनेजर या पीओ जीएम आता है कि कैलकुलेट करो तो डंपर साइकिल टाइम क्या है, और तुम अलग अलग जब कैलकुलेट करोगे ना, तो वो बहुत खुश हो जाएगा कि चलो ये लड़का पढ़कर आया है, इतना इजी चीज है ये। अब बाकी सिंपल जो है सारा चीज लिखा हुआ है, ये स्पॉटिंग टाइम भी पता रखना होगा ना। ठीक है, अब ये जो हम बताए हुए ना वही यहाँ लिखा हुआ थ्योरी थी, ये बताने से देख लो क्या है, इन सिंगल स्पोर्टिंग कंडीशन डंपर कैन पोजिशन ओनली ऑन वन साइड ऑफ द सॉइल, वेयर इज इन डबल स्पोर्टिंग कंडीशन डंपर कैन पोजिशन इटसेल्फ ऑन आदर साइड ऑफ द सॉइल। ठीक है राकेश, कुछ रिप्लाई नहीं आया तुम्हारा, क्लास कर रहे हो कि नहीं? ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं सोवेल का, देख लिए मतलब डंपर का देख लिया, पढ़ते हैं सोवेल का साइकिल टाइम क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं कि यार उठा के लोड कर दिया, हेक्टर टाइम कुछ नहीं होता है यार, हेक्टर टाइम कहाँ पढ़ लियो, वो सब कुछ नहीं होता, बकेट फिल फैक्टर वगैरह होता है, सोवेल फैक्टर होता है, फैक्टर टाइम नहीं होता है। ठीक है, अब क्या है कि सोयल का साइकिल टाइम क्या होता है,
मैच फैक्टर बोल रहा है। मैच फैक्टर सिंपली ये समझो कि एक डंपर मतलब एक मशीन के साथ, एक सोवेल मशीन के साथ कितना डंपर दें कि डंपर वेट ना करना पड़े, और डंपर निकलते जाए और डंपर आते जाए, वैसा वाला सिचुएशन। तो वो होता है मैच फैक्टर कैलकुलेशन करने के एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। सोवेल साइकिल टाइम क्या होता है, तो इसमें चार कंपोनेंट आता है, ठीक है। क्या क्या कंपोनेंट आता है, पहले डिगिंग थ्रू द मक पाइल। मक पाइल मतलब क्या, अगर ब्लास्टेड मटेरियल जो रहता है ना उसी को, मान लो पहले बेंच मस्त ऐसा था, ब्लास्ट किया है ना, तो ऐसा करके उसका प्रोफाइल आता है मक पाइल का। तो वो यार डिगिंग करेगा मक पाइल से, या इन सितु रहेगा, मतलब उसको में हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं किए, कोई ब्लास्टिंग नहीं किए, ओरिजिनल स्टेट में है। आ सॉफ्ट रॉक है मान लो, तो सॉफ्ट रॉक ही ना एक्सकेवेट कर पाएगा, सॉफ्ट रहेगा या वेदर रॉक रहेगा वो एक्सकेवेट कर पाएगा। या इन सितु रहेगा तो उस केस में क्या आएगा, क्राउडिंग, डिगिंग एंड हॉस्टिंग। और इसको पिक्चर से कैसे समझोगे, तो क्राउडिंग मतलब ये देखो, ठीक है ना, यहाँ पे समझना, ये देखो अभी क्या है, ये डिपर हो गया और ये डिपर आर्म भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, ये यहीं पे है ना, सेडल ब्लॉक होता है यहाँ पे। ये क्राउडिंग मतलब क्या है, ये इधर भी जा सकता है, मतलब अगर हम लोग मान लो कि ये अभी फुल एक्सटेंशन करके रखा हुआ है, इसको रिट्रैक्ट भी किया जा सकता है, मतलब या रिट्रेक्ट भी किया जा सकता है और इसको आगे की ओर भी मूव कराया जा सकता है। तो वही होता है क्राउडिंग, क्राउड कर रहे हैं, इसके लिए क्राउड मोटर होता है, ठीक ना, ये क्राउडिंग कर रहे हैं। तो क्या होता है ये देखो, जैसे मान लो ये तुम्हारा फेस हो गया, ठीक है, ऐसा फेस है। अब सोयल मशीन क्या कर रहा है, स्टार्टिंग में मान लो इस जगह पे अपना बकेट लगाया, तो उस केस में क्या होगा, ये जो पोर्शन है ना क्राउड होके पीछे से निकल जाएगा, इतना तक चला जाएगा मान लो, ठीक है ना। इस जगह पे बकेट लगाया, अब बकेट जब लगाया, जब पेनिट्रेट किया, पेनिट्रेट करते करते जब ऊपर जा रहा था, धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्राउड करके आगे आ रहा है, निकल रहा है बाहर, तो यही क्राउडिंग होता है। तो इसमें क्या क्या आता है, क्राउडिंग मतलब ये क्राउडिंग हो गया कि बकेट स्टार्टिंग में इतना तक में था, यहाँ बकेट था, अब धीरे 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 बकेट आगे बढ़ रहा था, हमको ये आगे करवाना पड़ रहा है। और उसके बाद डिगिंग कर रहा है, बकेट साथ में क्या कर रहा है, डिगिंग करते हुए जा रहा है, डिगिंग हो रहा है, उसमें भर रहा है, और डिगिंग करते हुए जब वो फुल लोडिंग कर लेगा, मतलब यहाँ पे तीन मैकेनिज्म काम कर रहा है, क्राउडिंग, क्राउडिंग मतलब वो आगे पीछे बकेट को हेल्प करता है मटेरियल को फिल करने में, क्राउडिंग हो गया। सेकेंड में क्या हो गया, डिगिंग, मतलब अगर सॉफ्ट है, अगर उसको ब्लास्टेड में मतलब सॉफ्ट रॉक है तो उसको एक्सकेवेट कर रहा है, डिगिंग हो रहा है, और जब डिगिंग होगा तो बकेट क्या होगा, फिल होगा, तो लोडिंग हो जाएगा। और जब लोडिंग हो गया तो अब क्या करेगा, ये लोड हो गया तब ये जो हाई स्ट्रोक है ना, ये देख रहे हो हाई स्ट्रोक, ये हाई स्ट्रोक से ना मशीन आगे नहीं बढ़ती है, इसमें मशीन अपने पोजिशन में फिक्स रहती है, ठीक है ना। हाँ, मशीन अपने पोजीशन में फिक्स रहती है, वो क्या करती है, ये रिट्रेक्ट या जो भी बोलो, क्राउडिंग जो वो बता रहे, उसी के थ्रू ये बकेट को, मतलब वही क्राउड हो रहा है, जिसके कारण है कि मशीन को मूव करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। लोडिंग हो गया, लोडिंग होने के बाद क्या करेगा, अब ये मान लो डंपर लगा हुआ है, यहाँ डंपर का हाइट इतना है, तो डंपर के हाइट के साथ क्या करेगा, ये हॉस्ट करेगा। जब हॉस्टिंग हो गया, ये देखो हॉस्ट रोप किया हुआ है, और ये जो रोप होता है ना सिर्फ बूम को सपोर्ट करने के लिए, ये जो बूम है ना, ये बूम का यहाँ पिन होता है, अब बूम को सपोर्ट करने के लिए बूम हॉस्ट रोप दिया जाता है, ये सिर्फ बूम को सपोर्ट करने का काम कर रहा है। और एक दूसरा हॉस्ट रोप देखो अंदर गया हुआ, ब्लैक कलर का, अंदर में एक बड़ा सा ड्रम होता है, जिस तरह होलेज का ड्रम होता है ना, उसी तरीके से होलेज ड्रम होता है, और इसके ऊपर ये रोप आता है, ठीक है। अब क्या हो गया, हॉस्टिंग हो गया उसका, अब जब ऊपर हॉस्ट कर लिया, अब क्या करेगा, डंपर जहां है डंपर मूव करेगा, मान लो यहां डंपर लगा हुआ है, तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, डंपर के ऊपर जाएगा, जब डंपर के ऊपर पहुंच गया
अब क्या करेगा, अपना नीचे का जो डिस्चार्ज डोर है उसको ओपन करेगा, अब मटेरियल को अनलोड करेगा। अब जब मटेरियल अनलोड हो जाएगा उसके बाद क्या करेगा, वापस से ये रिटर्न करेगा, अब वापस से फिर ये ऑपरेशन स्टार्ट करेगा। तो ये होता है सोयल का साइकिल टाइम। देखो क्या था, डिगिंग थ्रू द मक पाइल, या ब्लास्टेड मटेरियल रहेगा तो सिर्फ क्या करना है उसको, डिगिंग करना है और लोड कर लेना। सेकेंड में क्या है, क्राउडिंग, डिगिंग, हॉस्टिंग, उसके कारण बकेट क्या हो गया, लोड हो गया। अब क्या कर रहा है, जहां डंपर लगा हुआ है तो फॉरवर्ड स्विंग ऑफ द बकेट ओवर द डंपर, मतलब बकेट को स्विंग करवा कर वो मशीन जो है तो कुछ 360 डिग्री से रिवॉल्व हो जाता है। अपर वाला जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन होता है यहाँ से, ये 360 डिग्री रोटेट कर सकता है, ठीक है ना। तो क्या करेगा, जाके वो डंपर के ऊपर अपना पोजीशन ले लिया, बकेट लगा दिया। अब जब बकेट लगा दिया है डंपर के ऊपर, अब क्या करेगा, उसको बकेट को जो बॉटम डिस्चार्ज डोर है उसको ओपन करेगा, अनलोड कर देगा। तो वही डंपिंग, डंपिंग द बकेट लोड ऑन टू द डंपर। जब डंपिंग हो गया अब क्या है, वापस रिटर्न बैक आएगा, तो रिटर्न स्विंग ऑफ द बकेट टू द फेस एट द फ्लोर लेवल, जब फ्लोर में टच करवाएगा ना तो एक साइकिल इसका कंप्लीट हो गया। मतलब क्या, वापस से ये अनलोड करके वापस आया, अभी जब बकेट को यहाँ टच करवा रहा है तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर से क्राउडिंग, डिगिंग, हॉस्टिंग, लोडिंग, ये सारा चलेगा, फिर स्विंग ओवर करेगा, फिर अनलोडिंग करेगा, फिर वापस से रिटर्न बैक आएगा, फिर वापस से यहाँ टच होगा ना, तो ये एक साइकिल कंप्लीट होता है सॉवेल का। इस तरीके से सॉवेल का साइकिल टाइम कैलकुलेट किया जाता है। और जो सॉवेल डंपर को लोड कर रहा है वो डंपर का लोडिंग टाइम है, ठीक है ना, वो सॉवेल के साइकिल टाइम में नहीं आ रहा है। सॉवेल का साइकिल टाइम में क्या है कि एक बार में जो साइकिल कंप्लीट कर रहा है बस वही साइकिल टाइम होता है सॉवेल का, ठीक है। जैसे मान लो अभी क्या हुआ है, बकेट लोड हो गया है, अब यहाँ स्विंग करेगा, मान लो यहाँ डंपर लगा हुआ है, स्विंग करके यहाँ डंपर के ऊपर आएगा, जब डंपर के ऊपर अनलोड कर लेगा तो फिर वापस से आएगा, फिर अपना एक्सकवेशन स्टार्ट करेगा। हाँ, साइकिल टाइम वेरी कर सकता है, कोई भी मशीन का जो डिजाइन साइकिल टाइम होता है ना, कि बोला जाता है कि ये बकेट इतना कैपेसिटी का है, साइकिल टाइम इसका कहीं भी दिया हुआ है कि मान लो 1 मिनट है, तो वो रहता है 90 डिग्री स्विंग एंगल के लिए। स्टैंडर्ड जो स्विंग एंगल मानते हैं वो 90 डिग्री मानते हैं। ये सॉयल मशीन है, ये स्विंग करके जब 90 डिग्री से यहाँ आ रहा है ना, तो कहीं भी साइकिल टाइम जो भी कंपनी अपना मैनुअल में देता है ना साइकिल टाइम, वो यही होता है, 90 डिग्री के लिए होता है। अब बाकी अगर 120 डिग्री चला गया तो उस केस में हम लोग एक साइकिल टाइम करेक्शन फैक्टर टर्म का यूज करते हैं, जिसके द्वारा उसको करेक्शन किया जाता है, जो गेट में पढ़ाया जाएगा वो अभी डिप्लोमा पे पढ़ने वाला चीज नहीं है, ना UPMI में पढ़ने वाली चीज है, ठीक है। तीस तरीके से दो साइकिल टाइम क्लियर हुआ, डंपर साइकिल टाइम और सॉवेल साइकिल टाइम। किसी को डाउट है सर साइकिल टाइम में? डाउट तो नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है सभी को? क्योंकि तो आज बहुत लोगों का पहला क्लास होगा, हो सकता है। स्विंग फैक्टर क्या होता है पूछ रहे हो? स्विंग फैक्टर पूछने, मान लो हम लोग अभी बताया ना कि 90 डिग्री के लिए है, कहीं भी जो डिजाइन क्या रहता है स्विंग एंगल, कोई भी मशीन, मतलब क्या बोलते हैं, जो भी कंपनी वाला होता है, जैसे मान लो ये किसका है, P&H है ना, ये फॉरेन कंपनी, इंडिया का मान लो हिताची हो गया, टाटा हिताची, टाटा हिताची या L&T का हो गया, ठीक है ना। तो ये सब अगर बोलती है ना कि मान लो अगर ये मशीन ले रहे हैं इससे कि 5 क्यूबिक मीटर का हमको दीजिए सॉवेल, दे दीजिए हाइड्रोलिक सॉवेल, तो उसके मैनुअल में ये सारा चीज लिखा हुआ रहता है कि स्विंग एंगल क्या होगा, उसका डंपिंग हाइट क्या होगा, डंपिंग रेडियस क्या होगा, डिगिंग डेप्थ क्या होगा, वो सारा चीज लिखा हुआ रहता है। तो
उसी में है ना वो जो साइकिल टाइम भी इसका लिखा हुआ रहता है कि एक बार में है ना वो कि एक मतलब एक डंपर के पास सिर्फ एक बार जो साइकिल इसको कंप्लीट करने में जो अपनी अपना टाइम लग रहा है साइकिल टाइम करने में वो कितना होता है। तो लिखा हुआ रहेगा मान लो 1 मिनट, वह मान लो 1 मिनट 15 सेकंड लिखा हुआ है, तो ये सिर्फ 90 डिग्री के लिए लिखा हुआ रहता है। और जब मान लो 120 डिग्री के लिए करेगा ठीक है ना, तो इससे ज्यादा ही टाइम लेगा। जब 180 डिग्री के लिए करेगा तो और ज्यादा टाइम लगेगा। तो उसके लिए हम लोग एक करेक्शन फैक्टर टर्म यूज करते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग हम लोग फैक्टर ऑफ करेक्शन निकाल के वहां पे फिर उसके लिए वो टाइम लिखते हैं ठीक है ना। तो दिया हुआ रहता है कि करेक्शन फैक्टर 1.2 या जो भी है कितना से करेक्शन कर देना है, जो भी डाटा दिया हुआ है। इसी में दो तीन टर्म और पढ़ा देते हैं तुम लोग को। एक होता है बकेट फिल फैक्टर, जो सभी को पता होगा, इसको एक बार इरेज कर ले तो। क्योंकि ओपन कास्ट का नहीं, सब जो जो भी बता रहे हैं ना, मतलब बेसिक चीज है। इंटरव्यू के पर्पज से भी देख लो, अगर मान लो कोई इंटरव्यू में भी जाता है ना, तो अनिल स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, एक बार वापस से पीछे चले जाओ फिर वापस से आओ, सभी की स्क्रीन शो हो रहा है ठीक है। एक टर्म होता है बकेट फिल फैक्टर, क्या होता है, हैंड राइटिंग कैपिटल में लिख देते हैं ठीक है, सभी को समझ में आएगा। बकेट फिल फैक्टर होता है ना, ये नीचे रहेगा, यहां इक्वल दे रहे हैं ठीक है ना। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल सो होगा ऊपर में देख लेना ठीक है ना। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ, अब ज्यादा शो नहीं होगा ना ठीक, यहां लिख दे रहे ठीक है ना। बकेट फिल फैक्टर क्या होता है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इनसाइड द बकेट। यहां से भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, डिवाइड बाय बकेट कैपेसिटी या टोटल बकेट कैपेसिटी, जो भी टर्म यूज करो। ठीक है ना। अब क्या होता है बकेट फिल फैक्टर, ये होता है कि जैसे मान लो इसका बकेट कैपेसिटी बोल दिया है 5 क्यूबिक मीटर, मतलब जब ये फुल्ली लोड होगा ना तो इसमें 5 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम का मटेरियल इसके अंदर आएगा। लेकिन क्या होता है फील्ड में हम लोग को पूरा क्रस्ड रॉक नहीं मिलता है, पूरा चूर वाला कहीं नहीं मिलता है। क्या मिलेगा हम लोग को, थोड़ा बड़ा बड़ा साइज का बोल्डर टाइप से मिल गया है ना, इस साइज का मान लिया। तो क्या हुआ जब ये बकेट लोड हुआ ठीक है ना, तो ये देखो इस तरीके से क्या हो रहा है, बीच में गैप बन जा रहा है ठीक है ना। तो कभी भी जितना एक्चुअल बकेट कैपेसिटी होता है टोटल, मान लो एक्चुअल बकेट कैपेसिटी जो भी दिया हुआ है, उत्तम मटेरियल लोड नहीं हो पाता है। क्यों, क्योंकि वो डिपेंड कर जाता है साइज ऑफ रॉक क्या है, जो लोडिंग मटेरियल है उसका साइज कैसा है। मान लो अब क्या हुआ है कि ये जो लोड कर रहा है ये लोड मात्र 3 क्यूबिक मीटर ये एक्चुअल में लोड कर पा रहा है, तो 3 डिवाइड बाय 5 इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज में लाने के लिए, 5 से 20 मतलब 60%, मतलब क्या बकेट फिल फैक्टर 0.6 हो गया। तो एक तुम लोग से यही पूछते हैं, अगर पूरा क्रस्ड रॉक रहेगा, पूरा क्रस्ड रॉक मतलब क्या एकदम पूरा भूसा टाइप से ठीक है ना, और दूसरा रहा एकदम बड़ा बड़ा साइज का रहा, तो किस केस में बकेट फिल फैक्टर ज्यादा होगा। एक पूरा क्रस्ड रॉक रहा,
सभी लोग सोचो हम यहाँ पे क्या बता रहे, सिंपल सा चीज है कि एक क्रस्ड रॉक है चूर वाला और एक बड़ा बड़ा साइज वाला है, तो किस केस में बकेट फिल फैक्टर ज्यादा होगा? तो बकेट फिल फैक्टर क्या है, नीचे तो दोनों केस में सेम है कि एक्चुअल बकेट कैपेसिटी जो भी है या टोटल बकेट कैपेसिटी मान लो 5 मीटर 10 मीटर क्यूब जो भी है, उसके अंदर जितना मटेरियल आएगा, तो बोल्डर के केस में ज्यादा मटेरियल आएगा या क्रश रॉक के केस में, तो ऑटोमेटिक है वो कि क्रश रॉक में ही ज्यादा आएगा, क्योंकि क्रश रॉक जो भी रहेगा एकदम पूरा आपस में सटा हुआ रहेगा, है ना, वहाँ गैप वगैरह होने का चांस बहुत कम रहेगा, इसलिए वो बकेट फिल फैक्टर डिपेंड कर जाता है साइज ऑफ द रॉक पे कि कैसा है। और 100% कब होगा, जितना कैपेसिटी अगर उसी में एकदम जबरदस्ती एकदम भर दिए हैं एकदम पूरा वहां तक पूरा वही साइज का एकदम चूर वाला मिला है, तो उस केस में 100%, लेकिन 100% कभी होता नहीं है, 60% 70% ऐसा हम लोग मान के चलते हैं बकेट फिल फैक्टर। ठीक है, बकेट फिल फैक्टर क्लियर हो गया। तो ये सब जो क्वेश्चन जो बता रहे हैं ना, यही सब क्वेश्चन वो इंटरव्यू में, देखो इंटरव्यू में कुछ हार्ड क्वेश्चन ही बोलेंगे, तो मतलब वो बोलता है कि बताओ जी बोर्ड एंड पिलर में या सीएमआर का कुछ ऐसा डाटा कभी पूछ लेता है, नहीं तो ऐसा नहीं पूछेगा कि तुम बोर्ड एंड पिलर मेथड का पूरा अपना माइंस का लेआउट बना के बताओ, नहीं वो पूछेगा कि जो तुम्हारा माइंस में, एक मिनट मतलब देखो, अभी हम इधर जो 2 से 3 दिन जो क्लास हुआ है, उसमें क्या है 2-3 तुम लोग का कॉन्सेप्ट लग क्वेश्चन, मतलब जो इंटरव्यू में या कभी एग्जाम में कोई पूछ देता है वैसा लोग क्वेश्चन तुम लोग बताएंगे। ये क्या है, दोनों पेलोडर है जिसको हम लोग एक ट्रैक्टर सॉवेल भी बोला जा रहा है, जो डीजे रेशमो को बुक में दिया हुआ है ना। और किसी कुछ डाउट, आज इतना ही प्लानिंग है पढ़ाने का इसका, ये भी देखो ये थोड़ा समझ लोगे, समझना चाहते हो तो होता है ना कभी माइंस में बोला जाता है यही ये सारा चीज भी जो है ना, क्या बोल रहे हो राकेश? नो मतलब किस चीज के लिए, अब छोड़ दे आज का या आगे पढ़ाए, सो पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, अभी जो पिक्चर देखे हैं उसके अनुसार इसको ट्रैक्टर सॉइल बोला जा रहा है, ठीक है ना, ट्रैक्टर सॉइल बोला जाता है, ठीक ना, इसी को बोलता है कि दूसरा नाम पे लोडर है या फ्रंट एंड लोडर है, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में जो देखा जा रहा है ये टायर माउंटेड ही आता है, ठीक है ना, आईसी के ऊपर पूरा चेन लगा दिया जाता है। अब बुक में दिया हुआ, डीजे रेशमो में दिया हुआ बहुत पुराना डाटा था, मान के चलो कि हाँ अगर क्वेश्चन में आता है कि पेलोडर या फ्रंट इन लोडर ट्रैक्टर मतलब क्राउलर चेन माउंटेड हो सकता है या नहीं, तो हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब ये इधर क्या है, एक टर्म हम लोग जब ओपन कास्ट माइंस में होता है ना मशीनरी जो भी पढ़ते हैं, तो होता है कि मैक्सिमम कटिंग हाइट क्या है, मैक्सिमम डंपिंग हाइट क्या है। तो मैक्सिमम कटिंग हाइट क्या होता है, ये देखो कि जब बूम वगैरह पूरा एक्सटेंड किया हुआ रहेगा, ठीक ना, पूरा एक्सटेंशन किया हुआ रहेगा, तो जिस पोर्शन में ये जहां तक पहुंच पा रहा है इसका क्या बोल तीथ, ठीक है ना, जहां पर इसका मतलब मान लो पूरा मशीन का जो ये बूम है फुल एक्सटेंशन है, ठीक है ना, पूरा जितना मैक्सिमम दूरी तक पहुंच सकता था पहुंच गया है, अब ये जिस जगह पे टच कर रहा है ना इसका तीर, उस जगह से मतलब वहां से ये जो वर्टिकल डिस्टेंस दिखा रहे हैं
फ्लोर में, जिस फ्लोर पे खड़ा है ये सॉयल मशीन, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है ना, ये होता है मैक्सिमम कटिंग हाइट। देखो यहाँ ए से डिनोट किया हुआ है, ए क्या है मैक्सिमम कटिंग हाइट, ये ए क्या है यहाँ पे देखो मैक्सिमम कटिंग हाइट, ठीक है। मतलब ये क्या है कि वर्टिकल डिस्टेंस है, जब बूम वगैरह फुल एक्सटेंशन में रहे तो जहां पे उसका टीथ पहुंच पा रहा है, कट कर पा रहा है, मतलब वहां पे टच कर रहा है, वहां से लेके जिस जगह फ्लोर पे जहां सॉवेल खड़ा है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये होता है मैक्सिमम कटिंग हाइट। अब दूसरा टर्म आता है क्या, मैक्सिमम डंपिंग हाइट। तो क्या मैक्सिमम कटिंग हाइट ऐसा है, तो पहले जब डंपिंग करने के लिए बकेट, देखो यहाँ पे इस पोजीशन में दिख रहा है बकेट का, यहाँ पे बकेट ऐसा किया, ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ बकेट को फोल्ड करके ही डंपिंग होता है, ये नहीं कि ऐसा करके डंपिंग कर देगा, ऐसा पोजीशन में आया है। तो ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है ना, जो यहाँ से मान लो सॉयल वगैरह बाकी डिस्चार्ज डूर होता है, ये जो नीचे वाला पोजिशन जो नीचे से जो लगा हुआ है कवर, वहां से लेके जहां पे सॉयल खड़ा है ना, ये डिस्टेंस को हम लोग बी बोले हैं, और यही क्या है मैक्सिमम डंपिंग हाइट, ये भी वर्टिकल डिस्टेंस है, ठीक है। अब एक आता क्या है, देखो एक ई और एफ दिया हुआ है, इधर देखो पहले ई में दिया हुआ है मैक्सिमम डिगिंग रिच, और एफ में दिया हुआ है मैक्सिमम डिगिंग रिच ऑन ग्राउंड। अब क्या है कि देखो ये जो सॉवेल जो है, ये क्या कि अपना बूम को पूरा हॉरिजेंटली एक्सटेंड किया है, एकदम पूरा हॉरिजेंटली एक्सटेंड किया है। अरे यार वैल्यू नहीं रटना है यार, ये एक कंपनी का एक मॉडल है, उस मॉडल के लिए डाटा है, डी दशमलव वाला ये भी डाटा नहीं रटना है, डी दशमलव से ये डाटा नहीं रटना है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, वो अलग अलग मशीन के लिए अलग होता है, ठीक है ना। ये मैनुअल है क्या बोल रहे हो, हाँ मैनुअल है, सही बोल रहे हो, लगा मैनुअल माइनिंग वगैरह की बात करने लगे हो क्या, ये डाटा नहीं रटना है, ठीक है ना, ये बताने के लिए सिर्फ। अब क्या है कि मैक्सिमम डिगिंग रिच और मैक्सिमम डिगिंग रिच ऑन ग्राउंड, मतलब क्या है, देखो जब ये सॉवेल का जब बूम वगैरह एक्सटेंशन किया हुआ रहेगा ना, हाँ टर्मिनोलॉजी यहाँ सिर्फ समझो, ठीक है ना, सिर्फ टर्मिनोलॉजी समझना है कि क्या होता है। अगर मान लो कभी हम टर्म यूज करते हैं कि मैक्सिमम कटिंग हाइट इस मशीन का 9.62 है, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत इमेज बनना चाहिए ये वाला फिगर का, कि जहां पे सॉवेल खड़ा है, जहां पे इसका टीथ पहुंच रहा है, वो जो वर्टिकल डिस्टेंस हो गया ना, वो मैक्सिमम कटिंग हाइट हो गया, ठीक है। तो एक देखो मैक्सिमम डिगिंग रिच है और मैक्सिमम डिगिंग रिच ऑन ग्राउंड दिया हुआ है, मतलब क्या, ये मान लो सॉवेल है ना ऊपर में, अभी जब इसको हम ऊपर से नीचे एक साइकिल में इसको नीचे ऊपर से नीचे लाएंगे ना इस तरीके से, तो जिस जगह पे कर्व बन रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे इसको एक बार हम इरेज कर रहे हैं, तो वो पॉइंट शो नहीं हो पाएगा, ठीक है, अब पॉइंट शो होगा, देखो ये जो कर्व में इसको घुमाया ना, इसका बकेट को ऊपर से नीचे जब ला रहे हैं हम लोग, एक साइकिल टाइप से बन रहा है, कर्व टाइप से बन रहा है, ये जो कर्व जिस जगह से यहां से ये पॉइंट से, ठीक है ना, यहां से हल्का सा अंदर की ओर मूव किया, तो यहां से ये जो डिस्टेंस ले रहे हैं ना, मतलब वहां कभी वो कॉर्ड मतलब एक्सकेवेट नहीं कर सकता है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया कहां से, ये सॉवेल का मिडिल पोर्शन से, ठीक है ना, ये मिडिल पोर्शन से ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो ये मैक्सिमम डिगिंग रीच है, लेकिन मैक्सिमम डिगिंग रिच ऑन ग्राउंड क्या है, अब इसका बकेट ग्राउंड में किस पोर्शन में टच करेगा, अब यहां से लाएगा ये हवा वाला पोर्शन रहेगा, ठीक है ना, ये हवा में पोर्शन था, अब ग्राउंड में इस पोजीशन पे टच कर रहा है, तो हमेशा जो है ना मैक्सिमम डिगिंग रिच ऑन ग्राउंड जो रहेगा वो मैक्सिमम डिगिंग रिच से कम होगा। तो ये दोनों कैसा डिस्टेंस है, देखो ये जो दिखाया हुआ है एफ से, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, डिगिंग रिच ऑन ग्राउंड और डिगिंग रिच जो सिंपल है एयर में वो कितना है, हमेशा ये वाला बड़ा होगा, ये कम होगा, ग्राउंड में थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है ना। देखो कितना का डिफरेंस आ रहा है, 9.94 मीटर का है या 9.75 का मीटर है, ठीक है ना, ये तुम्हारा ई एफ भी हो गया। अब सी और डी क्या है,
मैक्सिमम डिगिंग डेप्थ और मैक्सिमम वर्टिकल वॉल डिगिंग डेप्थ, मतलब मैक्सिमम डिगिंग डेप्थ भी देखो क्या है, ये जो इस पोजीशन में लगाए हैं ठीक है ना, मतलब बकेट को सिर्फ टच करवा के रखे हैं, मतलब यहाँ एक्सकेवेट नहीं कर पाए। बूम हाइट इसमें से कौन सी है, ये जो बूम हाइट होता है ये जो है ना दिया हुआ है, ये बूम हो गया ठीक है ना, ये इसका बूम है, बूम लेंथ जिसको बोलते हैं। तो हम लोग जो डिजाइन करते हैं अपना बेंच हाइट का ना, तो बूम लेंथ में देखो बकेट जो आ रहा है यहां से स्टार्ट कर सकता है, तो बेंच हाइट कभी भी मैक्सिमम डिगिंग हाइट ऑफ एक्सकेवेटर जो बोलते हैं, मैक्सिमम डिगिंग हाइट मतलब क्या, यही हो गया मैक्सिमम कटिंग हाइट, जो रेगुलेशन नंबर 105 106 में दिया हुआ मैकेनाइज ओपन कास्ट माइंस में, कि किसी भी केस में जो हम लोग बेंच हाइट रखेंगे वो मैक्सिमम डिगिंग हाइट ऑफ एक्सकेवेटर से ज्यादा नहीं रखेंगे। तो मैक्सिमम डिगिंग हाइट क्या है, यही है डिगिंग हाइट, ये जो कटिंग हाइट है ना यही डिगिंग हाइट है। बूम में हम लोग बकेट वाला भी जो है ना वो लेंथ काउंट कर लेते हैं ठीक है। अब क्या है मैक्सिमम डिगिंग रीच, कि ये ऊपर तक भी पहुंच जा सकता है, ऊपर से भी निकाल सकता है, नीचे कहां तक जा सकता है, मैक्सिमम डिगिंग रीच क्या है, ये तो हाइट हो गया, अब नीचे जमीन में ये बेखो है इसलिए बोला जा रहा है इसके बारे में, कहां तक जा सकता है ये मैक्सिमम डिगिंग रीच, ये जिस पोजिशन में टच कर रहा है सिर्फ ठीक है ना, तो ये हो गया वर्टिकल डिस्टेंस, ये भी मैक्सिमम डिगिंग रीच का मतलब ये बिलो क्राउलर लेवल है ठीक है ना। अब आता है मैक्सिमम वर्टिकल वॉल डिगिंग डेप्थ, मतलब वर्टिकल वॉल को कब से डिगिंग करना स्टार्ट करेगा, इस पोजीशन से, यहाँ जो पोजीशन, ये पोजीशन है ना इसका डीप है, यहाँ से एक्सकेवेट करेगा और यहाँ सिर्फ टिप टच करेगा, यहाँ कुछ हो नहीं पाएगा, फिर जब यहाँ आएगा इधर तो जा ही नहीं पाएगा, वो इधर नहीं जा पाएगा, यहीं पे वो अपना फिल करने की कोशिश करेगा बकेट को इसी जगह पे ठीक है। लेकिन ये होता है कि ये बूम नहीं जाएगा, लेकिन ये जो इसका बकेट के लिए जो आर्म दिया हुआ है ये फ्लेक्सिबल होता है, तो ये फोल्ड हो सकता है यहाँ पे ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम डिगिंग रीच हुआ, डिगिंग डेप्थ ठीक है ना, मैक्सिमम डिगिंग डेप्थ ये हो गया सी वाला, और डी क्या हो गया, मैक्सिमम वर्टिकल वाला, अगर किसी को कट करना है तो कहां तक पहुंच पाएगा वो डी में दिया हुआ है। तो ये सारा टर्म आता है जो भी बताया 106 नंबर रेगुलेशन में जो दिया हुआ था कि मैक्सिमम डिगिंग हाइट ऑफ एक्सकेवेटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो यही चीज था ठीक है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जिसको क्लास अच्छा लगा है